सुनो, मम्मी बुला रही है, जाओ। माँ भी ना हमेशा बुलाती रहती है। अंकल संभल कर, मैं वापस आऊंगी। ए, जाओ ना। असल में ये बच्ची अपनी उम्र के बच्चों से तो ज्यादा तेज है। वाह 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 वा। इंटीरियर डेकोरेशन तो बहुत अच्छे से करवाया है। थैंक यू सो मच। कलर तो एकदम रोमांटिक। असल में वो लाल पीले कलर का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है ना, वो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, माय सिलेक्शन। कितनी रोमांटिक हो बाबा। वो तुम अकेले इतने बड़े रूम में रहती हो, तुम्हें बोर नहीं होता? ओह, दरअसल मुझे टीवी में बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज देखना पसंद है। यहाँ तो टीवी ही नहीं है, लाइव शो कैसे देखती है? मैं दिखाती हूँ, कम। देखो यही मेरे रियलिटी शोज का रंगस्थल है। रंगस्थल? कुल मिलाकर 40 फैमिलीज है, 150 रेसिडेंट्स, सब अलग अलग टाइप के हैं। इससे अच्छा रियलिटी शो और कहाँ हो सकता है, बताओ मुझे। मतलब यहाँ से उन सबको देखती रहती हो? इट्स पीपल वॉचिंग। क्या पीपल वॉचिंग? पड़ोसी के घर में झांकना गलत बात है। तो फेसबुक ट्विटर पे लोग क्या करते हैं बताओ मुझे, यही ना? हे, वो देखो वहाँ लेफ्ट में, देखो उन्हें कहीं तो देखा हुआ लगता है। हे, वो तो एसीपी रामचंद्र है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। यस, ओल्ड सिटी उनके नाम से। अच्छा अब वहाँ देखो। अरे ये क्या, ये ऐसे डर क्यों रहे हैं? पत्नी है क्या? पत्नी होती तो मारकर समझाती ना। ओ, ड्यूअल सिम है। हाँ, मैं नहीं जानती, मुझे उन लोगों ने बताया। कौन है ये लोग? महिला मंडल की मीटिंग चल रही है क्या? नहीं, गॉसिप गैंग है। गॉसिप गैंग? इन्हें खुद की लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तुम भी तो वैसी ही हो। हाँ? हे जो, हाय, ये मेरी दोस्त है, गॉसिप गैंग की लीडर है। अब हम लोगों को देख लिया ना, अब हम दोनों के बारे में भी गॉसिप करेगी। हम दोनों के बारे में गॉसिप? नाइस नाइस। वैसे तुम्हारे अपार्टमेंट में मुझ जैसा कोई जेम्स नहीं है? एक कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा? इतनी फैमिलीज के बीच में रहने वाला इकलौता बैचलर है। कहाँ है वो? देखो वहाँ। अरे वाह, वो क्या कर रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो करने की कोशिश जरूर कर रहा है। शट अप, वो योगा कर रहा है। ये भी कोई योगा है? उसे जब भी टाइम मिलता है ना, योगा करता रहता है, और बाकी के टाइम पे ना इस अपार्टमेंट को देखता है। ओह, तो ये वॉचमैन है? छी छी, दरअसल इस अपार्टमेंट को साफ करने के लिए ना फ्री सर्विस देता है। अपनी सारी हीरोइंस योगा करके जीरो साइज कर रही है, और ये क्या सांड के जैसा, मुझे तो शक है। अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाऊंगी। इनफैक्ट मुझे पीपल वॉचिंग में इंटरेस्ट उन्हें देखने के बाद आया, तुम भी हैरान हो जाओगे। उधर देखो। लगता है नई नई शादी हुई है, 2 महीने पहले ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। इसलिए इतना इंटरेस्टिंग कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो। बहुत बड़ा साइको लगता है, कभी बहुत प्यार जताता है तो कभी बहुत गुस्सा करता है। ये लोग कब खुश रहते हैं, कब उदास रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस लड़की को देखकर बहुत दया आती है। आज क्या है, कल क्या है, सुबह क्या है वही, आज क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है वही, भूल जाए गम सारे। हेलो कोहिनूर हीरा जी। ए, कौन हो तुम? मैं चाहे कितना भी प्यारा लगूं, मुझे कोहिनूर हीरा कहोगे, कोहिनूर हीरा मेरा नाम नहीं है, मेरा कैरेक्टराइजेशन है। ओ, तो फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम। ओ, नाइस नेम। वैसे आपका घर तो वहाँ है, व्हाट आर यू डूइंग यहाँ?
कचरा। एक नागरिक होने के नाते मैं भारत देश को स्वच्छ और स्वस्थ देखना चाहता हूँ, और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए ठीक से रहिए और कचरे से दूर रहिए। अरे बेटी, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, अब कैसा है? अब ठीक है अंकल। वैसे आपको कैसे पता? मैंने बताया ना। कैसे? तेरे व्हाट्सएप पे पढ़ लिया। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दरअसल स्कूटर से जा रही थी तो एक कार वाले ने रॉन्ग रूट से आकर टक्कर दे दी। उसे पकड़कर चाटा लगाना चाहिए था। एक्चुअली ये तो मारने वाली थी, पर एक्सीडेंट करने वाला इसका मैथ्स टीचर था। बिटिया मैथ्स में थोड़ी वीक है ना, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी ना जी। तुम मैथ्स में वीक हो? ये तो मैथ्स में शेर है, 100 में 100 नंबर लाता है। पापा। बोलो ना मेरे शेर, ऐसी बातें बताने ही चाहिए। पहले तुम नाश्ता तो कर लो, और 9 बजे के पहले पहले टेबलेट भी खा लो। ज्यादा लेट खाओगी तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बड़ा टेबल लेने को बोलती हूँ तो लेते नहीं हो, कहाँ बैठूंगी? बड़ा टेबल लेने की क्या जरूरत, हम 3 ही लोग तो हैं। जरूरत से ज्यादा सामान रखने से इंसानों के बीच दूरियां बढ़ जाती है, और अगर परेशानी में रहेंगे तो एक दूसरे को समझकर साथ में रहने का अलग ही मजा है ना बेटी? महालक्ष्मी जैसे सुशील हो, तुम्हारी तो स्पीड अच्छी है। स्पीड? और नहीं तो क्या, बिना मांगे नंबर दे दोगी तो स्पीड अच्छी कहेंगे ना? लगता है आपने व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस पढ़ लिया आंटी। मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देखे, इसने बताया। जो बिना कुछ कहे कहाँ जा रही हो, कुछ तो बोलो। वैसे भी टेस्ट में फेल तो हो ही चुका हूँ, एक बार कंफर्म ही कर दो। कल तक तो मुझे लगा कि तुम सिर्फ पास हो जाओगे, लेकिन आज तुम्हारे घर पर आने के बाद। ए हेलो, क्या है, मेरी पूरी बात बिना सुने जा रहे हो? तुम वैसे भी नो ही कहोगी, ये सुनने के बाद भी पीछा करके डिस्टर्ब करना, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत डिसेंट है। तुम्हारी फैमिली से मिलने के बाद तुम्हें पास किया है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ तो कहा। वो आई लव। ओह माय गॉड, बहुत खून निकल रहा है। ये सब छोड़ो, तुम कुछ कह रही थी ना, पहले बोलो। क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी है? देखो जो, हाथ की चोट तो चली जाएगी, लेकिन ये दिन, ये मूवमेंट, ये कभी नहीं आएगा। ओफो जीवा, ओके फाइन, आई लव यू, अपना हाथ दिखाओ प्लीज जीवा, शो मी। बस जो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है, आज का दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। ये हमेशा कचरे के साथ ही लगा रहता है। बेटा कोहिनूर के हीरे। नहीं, मेरा नाम सत्यम है। आप? बात क्या है, कचरा जेब में रखे घूम रहे हो? ओह वो क्या सर, एक नागरिक होने के नाते। मेरी बहन ने पहले ही कहा था, हिंदी में बात करने से बात नहीं बनती, इंग्लिश में बात करो। I'll try for you, okay? See bro, according to the chart 6 of India, dust is a major problem for backwardness. हिंदी मीडियम से हो क्या? देख लिया। ये क्या है? Hey, what a miracle!
ब्रो, आपका हैंड तो मेगा हैंड निकला, टच करते ही गार्बेज भी गोल्ड चेन में बदल गया। डस्ट वस्ट छोड़ो, ईमानदारी से सच बताओ। सर, मैं आपको चाहे कितना भी उल्लू बनाऊं, आप बनने वाले नहीं हैं। मैं एक चोर हूं सर। थेफ्ट एट होम। यस सर, वर्क एट होम की तरह थेफ्ट एट होम। क्यों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ऑफर है क्या? मेरे जैसे चोर के लिए नहीं है क्या? इसलिए इस अपार्टमेंट के लिए 50,000 एडवांस दिया, महीने का 25,000 भाड़ा देता हूँ और दो बार दिन में चोरी करके जी रहा हूँ। तो फिर वो पिंक टिश्यू क्या है? वो क्या? वो मेरी चालाकी का प्रतीक है सर। सर, मैं दूसरों के चुराए हुए चेन्स टिश्यू में रखकर डस्टबिन में फेंक कर स्वच्छ भारत के नाम से कलेक्ट करके यहाँ कर निकाल लेता हूँ। वाह, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो चुराया है वो अगर वापस नहीं दिया तो तुम्हारा वर्क एट होम नहीं, सीधा जेल में हो जाएगा। समझ में आया? समझ गया, चलो जाओ। समझ गया सर, आपके जेब से गिर जाएगा सोचकर अच्छाई के लिए मार लिया सर, बुरा मत मानिया। बाय बाय। थैंक्स ब्रो। ब्रो, ओके कहने के लिए। ओके कहने के लिए कौन? मैं? डैडी, मम्मी ने ओके कहा है तो आपको भी ओके है ना? मम्मी का ओके क्या? मम्मी का मम्मी का ओके क्या? मम्मी से पहले मैंने ओके कहा था, पता है? मैंने ही पहले ओके कहा था ब्रो।